हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। आई हैव इट टेकन फ्रॉम द बीईसीसी 104 और ये क्वेश्चंस है प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड, ये एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव इन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। तो क्वेश्चन आपके सामने है, प्रोडक्शन फंक्शन इज ए गिवन बाय ए इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/3 वाई टू दी पावर 1/3। ये कर्व डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है। X जो स्टैंड फॉर है लीवर कर रहा है, L नहीं लिख के वहां X किया है, कैपिटल को डिनोटेड किया गया है Y से, कैपिटल Y, ठीक है, Y स्टैंड फॉर कैपिटल। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो तीन क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन है ये थ्री सब पार्ट्स। पहला है व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ इच फैक्टर, दूसरा है आपको बताना है व्हाट इज द नेचर ऑफ रिटर्न टू अ स्केल, और तीसरा पार्ट है फाइंड वेदर टोटल प्रोडक्ट इज एडजस्टेड और नॉट। ये तीनों पार्ट का क्वेश्चन है, पहला आपको रिटर्न टू स्केल है, दूसरा है नेचर ऑफ बिहेवियर, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ इच फैक्टर। तो इसका एक एक चीज का सोल्यूशन करेंगे। तो पहला पार्ट का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, कि बिहेवियर क्या है इच फैक्टर का, ठीक है। बिहेवियर जानने के लिए हमको जो प्रोडक्शन फंक्शन गिवन दिया गया उसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सब आप ज्यादा अच्छा सीखेंगे। आपको बोला गया है जैसे प्रोडक्शन फंक्शन Q इक्वल टू दिया गया है A X टू दी पावर 1/3 Y टू दी पावर 1/3। ये प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है, आपको बिहेवियर ऑफ इच फैक्टर बताना है किस तरह वो बिहेव करेगा जैसे हम अमाउंट ऑफ लेबर या कैपिटल को बढ़ाते हैं X या Y को। यहाँ X मतलब लेबर, Y मतलब कैपिटल, जो क्वेश्चन में हमको डिनोट किया गया। तो सबसे पहले MPL निकालना पड़ेगा। ये MPL क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। इसका निकालने का सिंपल तरीका क्या है, आपको पार्शियल डेरिवेटिव आना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल प्रोडक्ट या प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन को जो टोटल प्रोडक्ट भी कहते हैं, टोटल आउटपुट भी कहते हैं, उसको तो इसको अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में ले लेंगे, तो यहां पर इसका जब जैसे हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे टोटल प्रोडक्ट को या प्रोडक्शन फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमको यील्ड करेगा एमपीएक्स यानी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। तो आराम से इसका पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग को आता है, तो 1/3 कमिंग फर्स्ट एंड एट द सेम टाइम अनदर फैक्टर वाई इज द हेल्ड कांस्टेंट। तो यहां एक्स, अब इसमें देखो 1/3 में माइनस 1 करोगे, अगर ये सब अपना खुद करते जाओ तो ऑब्वियसली माइनस 2/3 आप करके देखना है यहां पर एलसीएम में, और y को आपका मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा। ये हमारा निकल गया मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। अब हमको नेचर जानना है, तो रेट ऑफ चेंज जानना है, ठीक है, आप इसको कह सकते हो रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, आपको रेट ऑफ चेंज जानना है, ठीक है, किसका, एमपीएल, रेट ऑफ चेंज इन एमपीएल। अब इससे हमको बिहेवियर पता चल जाएगा एमपीएल, मतलब इसको मोटा मोटी या तो प्रोडक्शन फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लो या एमपीएक्स का डेरिवेटिव ले लो, कुछ इस तरह का होगा एमपीएक्स होगा। हाँ सर, एक्स आएगा, हाँ जी, कहाँ, अच्छा अच्छा वो, हाँ लिख सकता है, एल स्टैंड फॉर एक्स भी होगा, कोई बहुत दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन एमपीएक्स को एमपीएल हम यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि एल स्टैंड फॉर लेवल 1 लिख चुका है क्वेश्चन में, ठीक है। तो एमपी जो एक्स है इसकी पार्शियल डेरिवेटिव ले लो, ठीक है। अब इसका तुम पार्शियल डेरिवेटिव जब ले रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका मीनिंग क्या है कि आप तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज होता है। तो इसको दूसरा भाषा हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिविटी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस पॉइंट। दोनों एक ही चीज है, क्या दो बार लेंगे इसको या एक बार लेंगे, ठीक है। अब इसको निकाल लो, तो वन देखो सबसे पहले हम वाई के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो ये वाला टर्म ए है, एक्स टू दी पावर माइनस 2/3 इक्वल टू एन, तो ये आके यहाँ गुना हो जाएगा, तो 1/3 इंटू माइनस 2/3। ए अपना जगह पर रहेगा कांस्टेंट, जिसको इफिशियंसी पैरामीटर कहा जाता है कर्व डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में। और एक्स, अब यहाँ भी आप एकदम बी स्मार्टली करो, यहाँ माइनस 1 करेंगे, सीधे यहाँ 3 जोड़ो, माइनस 5/3
एकदम स्मार्टली यहाँ बार बार करने से स्टेप पढ़ाने से कोई जरूरत नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू बाई नाइन, ठीक है, और इतना ए एक्स टू दी पावर माइनस फाइव बाई थ्री वाई टू दी पावर वन बाई थ्री विच इज द लेस देन जीरो। क्यों लेस देन जीरो? क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, उसका वैल्यू जीरो से कम होगा। अब जीरो से कम होगा इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम अमाउंट ऑफ लेबर को बढ़ाएंगे तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में क्या होगा? कमी होगा, ठीक है, हाँ, तो डेक्लाइन होगा, ठीक है, एमपीएल डेक्लाइन, डेक्लाइंस एज, ठीक है, अमाउंट ऑफ लेबर इंक्रीजेस। कितना नेचर यही है इसका कि हम लेबर की मात्रा बढ़ाएंगे तो एमपीएल में कमी होगा। आप देखो यहाँ ग्राफिकली भी तुम देख सकते हो, हमने बताया था ये कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन का कन्वेक्स होता है यहाँ पर एक पॉइंट में, या एक पॉइंट यहाँ है कि हम लेबर को माप रहे हैं, इसके बाद लेबर की मात्रा बढ़ाएंगे तो जिससे क्या होगा, यहाँ ये दो पॉइंट पर हमारा दिखा रहा है एमपीएल और एमपीके जीरो, तो इस पॉइंट के बियॉन्ड इस पॉइंट के बाद इसकी प्रोडक्टिविटी गिरेगी, इसकी प्रोडक्टिविटी भी गिरेगी एमपीके का, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन हमको मिल गया एमपीएल डेक्लाइन एज द अमाउंट ऑफ एयर इंक्रीज। सिमिलरली हम ये वाला तो हमारा काम आएगा प्रोडक्ट, ये तीसरा पार्ट था वेदर टोटल प्रोडक्ट इज एडजस्टेड और नॉट, माने यूलर थ्योरम को वेरीफाइड करने के लिए, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पर एमपीके निकालेगा, एमपीके, ठीक है, एमपीके निकालेगा तो इसको पार्शियल डेरिवेटिव प्रोडक्शन फंक्शन को या एम पी वाई भी करते हैं, वाई के रेस्पेक्ट में हम लेगा, ठीक है, तो वाई के रेस्पेक्ट में लेगा तो सिमिलर प्रोसेस होगा, वन बाई थ्री इज कमिंग फर्स्ट, ए एक्स टू दी पावर वन बाई थ्री वाई टू दी पावर माइनस वन करेंगे तो माइनस टू बाई थ्री, जैसा कि सिमिलर सब कुछ एक्सपोनेंट का जो वैल्यू है वो देखो सिमिलर है, सिर्फ एक्स से शिफ्ट कर रहा है वाई, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वाई निकाल रहे हैं कैपिटल का। अब इसको नेचर पता करना है तो रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन एमपीवाई, समझ रहे हैं आप लोग, इसका क्या करेंगे एमपीवाई का पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, और उसके बाद इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो आता तो ये इंक्रीजेस हो रहा है, राइजेस हो रहा है एज द अमाउंट ऑफ लेबर। इससे पता चल रहा है कि इसके आगे आप लेबर मत रखो, हो सके तो लेबर अमाउंट ऑफ लेबर टू बी रिड्यूस इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट लेवल वाई, ऑब्वियसली है वन बाय थ्री अपना प्लस में माइनस टू आ जाएगा इनटू माइनस टू बाय थ्री ए एक्स टू दी पावर वन बाय थ्री और वाई टू दी पावर माइनस वन फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस फाइव बाय थ्री। ये थोड़ा सा दिक्कत होगा किसी को डायरेक्टली करने से, इस तरह करके देख लो अपना 2 बाय 3 माइनस 1, आप एलसीएम लोगे तो यहाँ माइनस 3 से फिर 2 रुपया कर्जा था फिर 3 रुपया लिया तो टोटल 5 रुपया कर्जा हो गया। अब माइनस 2 बाय 9 ए एक्स टू दी पावर 1 बाय 3 वाई टू दी पावर माइनस 5 बाय 3 इट्स वैल्यू इज द लेस देन 0 दैट इज एमपीवाई या एमपीके जिसको कहो डेक्लाइन, मतलब जरूरत से ज्यादा अमाउंट ऑफ लेबर प्रोडक्शन में लगा हुआ है एज अमाउंट ऑफ कैपिटल के इज इंक्रीज। अब इससे हम ये नाम इसके हम ये मेजर कर सकते हैं किसी भी फैक्ट्री या कंपनी या फॉर्म में की जरूरत से ज्यादा है तो वहां पर जो नेचर ऑफ जो रेट ऑफ चेंज या नेचर ऑफ इच फैक्टर इनपुट जो बताएगा नेगेटिव डेरिविटी देगा सेकेंड ऑर्डर, तो इसका मतलब यह है कि हम वहां से अमाउंट ऑफ लेबर या कैपिटल को रिड्यूस करेंगे जिसका सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिविटी या निगेटिव आएगा, ठीक है, अगर पॉजिटिव आएगा तो बढ़ाना पड़ेगा मात्रा। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ फिस्ट, नाउ इट इज अ टाइम टू सॉल्व द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज अ टेलिंग यू वॉट इज द नेचर ऑफ रिटर्न टू अ स्केल दिस गिवन प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये बहुत बार हो चुका है, ठीक है, मैं बना देता हूं बी पार्ट्स।
तो हम क्या करेगा कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसको दोनों इनपुट जो एक्स और वाई को एक फिक्स्ड पॉजिटिव प्रोपोर्शन से मैं बढ़ाऊंगा, और ये एम पी वाई और एक्स को मेरी जरूरत होगी क्योंकि थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन टेलिंग अस टू फाइंड द वेदर टोटल प्रोडक्ट इज एडजस्टेड और नॉट, बिकॉज देयर वी कैन यूज इन दिस टू टर्म एम पी एक्स एंड वाई. नाउ बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज टेलिंग अस व्हाट इज द नेचर ऑफ रिटर्न टू अ स्केल. तो वेरी सिंपल है, रिटर्न टू अ स्केल प्रोडक्शन फंक्शन आपको यहाँ दिया गया है. आप यहाँ लिखेंगे इफ बॉथ इनपुट्स, इफ बॉथ इनपुट्स आर इंक्रीज्ड बाय अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय लैम्डा, लैम्डा से दोनों हम इनपुट को बढ़ाएगा. ये प्रोडक्शन फंक्शन है, एनपीएल में मत करने लगना. तो बढ़ाते हैं भाई लैम्डा, ये है ए लैम्डा एक्स टू दी पावर वन बाई थ्री, लैम्डा वाई टू दी पावर वन बाई थ्री. अब ए लैम्डा टू दी पावर वन बाई थ्री, एक्स टू दी पावर वन बाई थ्री, लैम्डा टू दी पावर वन बाई थ्री, वाई टू दी पावर वन बाई थ्री. ठीक है, अब बढ़ाएं दोनों लैम्डा को एक जगह लिखें, और ये दोनों लैम्डा देखो बेस सेम है तो दोनों का पावर हम ऐड करेंगे तो टू बाई थ्री होगा. ठीक है, इसमें कोई दो मत नहीं है, ए एक्स टू दी पावर वन बाई थ्री, वाई टू दी पावर वन बाई थ्री. इतना बराबर क्या है आपको प्रोडक्शन फंक्शन है टू बाई थ्री क्यूब. तो ये मतलब हो गया कि ये जो हमारा जो गिवन प्रोडक्शन फंक्शन इज द होमोजीनस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 बाय 3 है. तो ऑब्वियसली है कि लैम्डा का अगर वैल्यू 1 आता इक्वल टू 1 तो ये बताता कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 आता तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. अब लैम्डा का वैल्यू अगर लेस देन 1 आएगा तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. अब आपको डिटरमाइंड करना है 2 बाय 3 का वैल्यू 1 से ज्यादा है कि कम है. बोलो सर, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. हाँ, तो बस लिखो द वैल्यू ऑफ लैम्डा, या तीनों कंडीशन मैंने लिख दिया रिटर्न टू स्केल का, द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज लेस देन 1, जैसा कि पेपर 1 में भी हम लोग डिस्कस किए थे. तो इट एग्जिबिट डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. मैडम जी, ये आपको समझ में आ रहा है सर? क्या यहाँ पर तो लैम्डा का वैल्यू इंक्रीज नहीं, तो लैम्डा का पावर का वैल्यू हो रहा है ना? हाँ, पावर पावर ये नहीं बोले थे हम, पहले ही बताए थे जैसे कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन एल के दोनों को इंक्रीज करेंगे. आप रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा तो लैम्डा टू दी पावर ऑफ फंक्शन ऑफ एफ है जो आर का वैल्यू है. तो यहाँ मैंने लैम्डा का पावर हम बात कर रहे हैं, तो टू बाई थ्री नहीं दिख रहा पावर. तो ये तो पावर लिखना पड़ेगा ना? अच्छा लिख तो दिए, पूरा लैम्डा यहाँ लिख दिए, द वैल्यू ऑफ लैम्डा, वैल्यू ऑफ आर, आर लिखना पड़ेगा लैम्डा का पावर में आर, या डिग्री ऑफ लैम्डा जो हो आर इन द लेस देन वन, जिसके कारण आप क्लियर. हाँ सर, हाँ मधुरी आपको आ रहे हैं समझ में? यस सर, आ रहे हैं. नाउ फाइनल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज टेलिंग अस फाइंड द वेदर टोटल प्रोडक्ट इज एडजस्टेड और नॉट, वी नीड टू सैटिस्फाई द यूलर थ्योरम. डू यू नो यूलर थ्योरम? यस्टरडे आई टॉट यू. ओह नो, अच्छा कोई बात नहीं, फिर से निकालना पड़ेगा एम पी एल और एम पी वाई को रहने दो. एक छोटा सा बोर्डिंग दिख गया सर, एम पी एल लिख लीजिए ना, मैं बोल रहा हूँ. हाँ ज्यादा नहीं लग रहा होगा, एम पी एक्स बता देते हैं, वन बाई थ्री पहले आ जाएगा बस, यही ना? हाँ सर. हाँ, अब हमारा यूलर थ्योरम, यूलर थ्योरम स्टेट क्या करता है कि ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर पेड टू अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. ठीक है, प्रत्येक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, प्रत्येक इनपुट को उसका सैलरी, उसकी प्रोडक्टिविटी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अनुसार
मिलना चाहिए। एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है तो यूलर थ्योरम यही स्टेट करता है। इसको एक मैथमेटिकली हम इसको कह सकते हैं एल एक्स है तो एक्स लिखना पड़ेगा एक्स टाइम्स एम पी एक्स प्लस वाई टाइम्स एम पी वाई इक्वल टू प्रोडक्शन फंक्शन। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो जितना अमाउंट ऑफ लेबर है या नंबर ऑफ लेबर को उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके प्रोडक्ट उसकी प्रोडक्टिविटी से, फिर कैपिटल का दो ही इस प्रोडक्शन प्रोसेस में दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व है एक्स एंड वाई। ये चीज है जो इसको हम थोड़ा सा और खूबसूरती बना के देख सकते हैं डेल क्यूब बाय डेल एक्स प्लस वाई इक्वल टू डेल क्यूब बाय डेल वाई इक्वल टू क्यूब। आप देखना कि ये दोनों को जो x को हम इससे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अमाउंट ऑफ लेबर या कैपिटल को अगर उसके अमाउंट और उसकी प्रोडक्टिविटी का मल्टीप्लाई करेंगे सेपरेटली और सबको ऐड करेंगे तो वो टोटल प्रोडक्ट के बराबर आएगा। कहने का मतलब है कि मान के चलो लेबर और कैपिटल एल और के ठीक है कि 100 टेल का प्रोडक्शन कर रहा है ठीक है, तो इसकी प्रोडक्टिविटी लेबर का 70% है और इसकी अगर 30% है तो 100 पेन में से 70 पेन लेबर के पास जाएगा और के पास 30 पेन जाएगा। वही चीज ही बता रहा है टोटल प्रोडक्ट को एडजस्टेड हो जाएगा। एडजस्टेड कब होगा जब ये इक्वल टू आउटपुट का होगा, जब ये इक्वल टू नहीं होगा तो इसका मतलब है टोटल प्रोडक्ट इज नॉट एडजस्टेड। तो आपको ये फार्मूला में सिर्फ पुट करना है ठीक है। तो एल एच एस उठा दो, एल एच एस इक्वल टू एक्स रहा टैन एम पी एक्स, इसी को हम कहते हैं एम पी एक्स डायरेक्ट कर लिख दो 1/3 a x^-2/3 y^3 ठीक है। उसके बाद यहाँ वाई लिखना है, देखो वाई जैसे वैसे लिखते जाओ टैन एम पी एक्स है फिर एम पी वाई का वैल्यू लिखो। हमारे आर एच मैंने आर एच एस को मैंने उठाया है तो 1/3 a x^-1/3 y^-2/3। अब लॉ ऑफ इंडिसेस वगैरह बढ़िया से आना चाहिए क्योंकि उतना स्टेप यहाँ लिया नहीं जा सकता है। तो देखो ये x और यहाँ x है तो 1/3 अपना रहने दो, ये अपना जगह पर रहेगा, ये दोनों x में कारोबार होगा तो x में ऑब्वियसली कारोबार होगा तो इसका वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है तो यहाँ देखना -2/3 अपना करना तो ऑब्वियसली x^-1/3 आएगा, आएगा ना y^-1/3 ठीक है। यहां तक का काम हो गया, ये x x एक में हो गया, a लिखा मैंने 1/3 को पहले लिखा y^-3। अब यहां भी लिखेंगे 1/3 a x^-1/3 और y^ यहां 1 से फिर करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये दोनों का लूस मेरा एक मिनट 1/3 था ठीक है यहां भी 1 है तो यहां भी तो y का पावर 1 है तो 1 से फिर घटेंगे तो -1/3। अब ये दोनों में कुछ कॉमन है वो सॉलिड है a x^-1/3 y^-1/3 ठीक है यही है। यहां से यहां तक कॉमन, यहां से यहां तक कॉमन खत्म तो बचा क्या अंदर ठीक है। यहां दोनों में कॉमन है 1/3 भी कॉमन है। अच्छा छोड़ो इसको फिर 2/3 हो जाएगा, हाँ ये दोनों ऐड हो जाएगा तो ऐड कर लो तो दोनों का एलसीएम लोगे तो 3 रहेगा इसमें कुछ नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा 2 a x^-1/3 y^-1/3 इसका मीनिंग क्या हुआ 2/3 और इतना का वैल्यू हमारा प्रोडक्शन फंक्शन क्यूब है। देख लो यहाँ पर क्यूब है ठीक है लेकिन हमको आना चाहिए एलएचएस में हमारा क्या है देखो क्यूब है तो यहाँ एलएचएस डज नॉट इक्वल टू आरएचएस इसका मतलब है टोटल प्रोडक्ट इज नॉट एडजस्टेड। अगर ये बराबर आ जाता तो टोटल प्रोडक्ट दोनों में बढ़ जाता लेकिन यहाँ पर टोटल नहीं प्रोडक्ट बटा है जो इम्परफेक्ट कंपटीशन या रियल वर्ल्ड में ऐसा ही होता है तो टोटल प्रोडक्ट इज नॉट
एग्जॉस्टेड, ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं किया कि दोनों बराबर आना चाहिए, क्यू के बराबर तो नहीं आया, टू बाई थ्री से मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्लियर हुआ जी? यस सर। क्लियर हुआ? मैं मधु जी से पूछूंगा क्योंकि वो आज नया आई है। यस सर क्लियर हो गया, मतलब वही है कि इक्वल अगर नहीं होता तो ये जो टोटल प्रोडक्ट है वो नॉट इक्वल, अगर इक्वल हो जाता किसी को हम लोग दूसरा भी कहते हैं प्रोडक्ट एडजॉक्शन थ्योरम, प्रोडक्ट एडजॉक्शन, आप कल नहीं पढ़ेंगे, बहुत सिस्टम से पढ़ा रहे इसको, एडजॉक्शन थ्योरम, और इसको एडिंग अप थ्योरम भी कहते हैं, व्हाट इज द एडिंग अप, तो सैटिस्फाइंग द यूलर थ्योरम कंडीशन इज द कॉल्ड प्रोडक्ट एडजॉक्शन प्रॉब्लम।